बीजेपी से पिछली बार जीत कर आए थे, लेकिन इस बार राजवी को यहां पर टिकट दिया गया तो फिर वो नाराज होकर बागी बन गए और उन्होंने निर्दलीय यहां पर चुनाव लड़ा। लेकिन फिलहाल चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान सिंह आकिया आगे चल रहे हैं, यह भी एक बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हुए। लेकिन एक और बड़ी खबर ये आ रही है आदर्श नगर सीट के संबंध में, और वही ओसिया से बात करें कांग्रेस की दिव्या मदेरणा आगे चल रही है, बढ़त बना रही है। 928 वोटों से कांग्रेस की दिव्या मदेरणा आगे चल रही है। आस्था, चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय चंद्रभान सिंह आगे हैं, इस वक्त का बड़ा अपडेट। और आसपुर से बीएपी के उमेश मीणा आगे चल रहे हैं। और ओवरऑल टैली पर अगर आप नजर डालें तो 106 बीजेपी, 78 कांग्रेस और अन्य 15, यानी लगभग वही डेटा जो बीते 15 मिनट से अभी हिला नहीं है। एक और बड़ी खबर, वसुंधरा राजे 10,161 मतों से आगे चल रही है। दिया कुमारी 420 वोटों से आगे चल रही है। कालीचरण सराफ 1389 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बड़े अपडेट बड़े चेहरों से जुड़ी हुई। तारानगर से राजेंद्र राठौड़ 393 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो वसुंधरा राजे 10,161 मतों से आगे हैं। इसके अलावा दिया कुमारी 420 वोटों से फिलहाल आगे चल रही है, और साथ ही कालीचरण सराफ भी 1389 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ा अपडेट उन बड़े चेहरों के लिए। तारानगर से बात करें तो राजेंद्र राठौर 693 वोटों से पीछे चल रहे हैं, बड़ी खबर है। चुरू की सीट छोड़कर तारानगर में गए चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन फिलहाल पीछे चल रहे हैं। बड़ी बात और बड़ी जानकारी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बड़े मार्जिन से 10,000 से भी ज्यादा वोटों से इस वक्त अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से आगे चल रही हैं। 10,161 मतों के फासले से वसुंधरा राजे आगे चल रही हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया राजेंद्र राठौड़ का हाल, कालीचरण सराफ 1389 वोटों से आगे चल रहे हैं। लवली वधवा का एक बार फिर से रुक करने की कोशिश करेंगे। लवली बताइए जयपुर की अभी स्थिति क्या चल रही है, जो जो सीटों के अभी रुझान आ रहे हैं सामने। ठीक है, लवली का रुख जरूर करेंगे, लेकिन इस बीच रिजल्ट हब से हमारी सहयोगी श्रुति मौजूद हैं। श्रुति, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पीछे चल रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर बात करें हम